और हम बहुत निराश हैं कि हमें अपने मुख्यमंत्री जी से बहुत आशा थी कि ये जो है हमारे लिए इस बार विकलांग भवन देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। दिव्यांगों के लिए उनको भी चलाकर रोजगार के साधन जुटाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। और आज जो है हमारे यहाँ पे मासिक बैठक हो रही है, आधे लोग जो है यहाँ से चले गए हैं क्योंकि बैठक हम जल्दी खत्म कर रहे थे, क्योंकि हमारी जो है भूतनाथ मंदिर सराय में जो है ये बैठक होती थी, लेकिन आज वहाँ पे भागवत है तो इस कारण जो है हमें यहाँ डीसी कार्यालय के बाहर यहाँ पे आना पड़ा और यहाँ पे हमें बैठक करनी पड़ी। क्योंकि 5 साल में जो है हमें ये उम्मीद थी कि हिमाचल सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी जो है हमारी इस मांग को पूरा करेंगे, ताकि हमें एक स्थायी स्थान मिलेगा और जहाँ पर हम अपनी बैठक भी करेंगे और लोगों के लिए जो भी हम अपनी जो योजनाएं होती है दिव्यांगों के लिए उनको भी चलाकर रोजगार के साधन जुटाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। और हम बहुत निराश हैं कि हमें अपने मुख्यमंत्री जी से बहुत आशा थी कि ये जो है हमारे लिए इस बार विकलांग भवन देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। और 5 साल में जो है एक भी जो है बोर्ड की मीटिंग नहीं की गई, ये बड़े दुख की बात है। अगर बोर्ड की मीटिंग होती तो वहाँ पे हम अपने सारे इन मुद्दों को उठाते, और ज़्यादा नहीं तो एक दो मुद्दे तो हमारे वहाँ पे कुछ होते, लेकिन 5 सालों में एक भी मीटिंग नहीं की गई। और इस बारे में हमने बहुत बार मुख्यमंत्री महोदय को भी लिखा, सचिव के मतलब तो हमारे सेक्रेटरी उनको भी लिखा, लेकिन इस ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो यहाँ पे डीसी कार्यालय में ना रैंप है ना हेलीपैड है, जबकि हाईकोर्ट के आदेश है कि सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ भी हमारी बिल्डिंगे हैं वहाँ पे रैंप और इसकी क्या बोलते हैं रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन पिछली जो अभी मीटिंग हुई थी पिछले महीने, उसमें भी यही कहा गया कि एस्टिमेट बन रहा है। ऐसा कैसा एस्टिमेट, एक साल हो आया एस्टिमेट ही बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था यहाँ की जाए। और एक हमारी यहाँ पार्किंग का मुद्दा है, जैसे कि धर्मशाला डीसी कार्यालय के बाद एक स्पेशल बोर्ड लगा के वहाँ पे एक जगह अच्छी नहीं की गई है कि ये दिव्यांगों के लिए छोटी मोटी, चाहे वो अपनी स्कूटी लगाए चाहे गाड़ी लगाए, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुई। और SP कार्यालय में जो लिफ्ट है वो अभी तक वो भी बंद ही है, मतलब ऑलमोस्ट वो बंद ही रहती है। जब भी ये मुद्दा हाईलाइट होता थोड़ा सा तो तभी चल पड़ती है, फिर उसके बाद वो बंद हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार द्वारा ऐसे इतना पैसा खर्च करके लिफ्ट बनाई गई है, इसको भी सुचारू रूप से चलाया जाए और हमारे DC कार्यालय में भी रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था की जाए और हमारी पार्किंग की व्यवस्था भी की जाए। बस यही है। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।